मास्टर जी ने फिर चल दी है एक चाल गोपी के घर में घुसने के लिए, हर वक्त गोपी के करीब रहने के लिए। इस बार मास्टर जी घर वालों को लुभाने के लिए ले आए हैं एक मैजिक पेन, जो उन्होंने अपनी सूरन मीरा को दिया है। और इस पेन को पाकर मीरा बहुत खुश है। और आप तो जानते ही हैं कि अगर मीरा खुश तो गोपी सुपर खुश। मास्टर जी ने मुझे एक मैजिक जैसी पेन दी है और वो मुझे आशीर्वाद देते हैं कि इस पेन से तुम बहुत आगे बढ़ोगी, इसको यूज़ करना। तो मुझे उससे बहुत खुशी है कि उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया और मैं हमेशा उससे ही लिखूंगी। मगर गोपी जरा संभल के, ये तोहफा नहीं बल्कि एक साजिश है, क्योंकि इस पेंसिल बॉक्स में एक राज छुपा हुआ है जो सिर्फ मास्टर जी ही जानते हैं। उस पेंसिल बॉक्स में जरूर कुछ न कुछ है, क्योंकि सबकी नजरें उस पर गड़ी हुई हैं। पेंसिल बॉक्स से जुड़ी हुई कुछ चीजें हैं, कुछ ऐसे रहस्य हैं जो शायद आगे जाके खुलेंगे। There is something in the pencil box. वैसे मास्टर जी, आप कितने भी चालाक क्यों ना हो, मगर गोपी के घर में भी जासूसों की कमी नहीं है। अब तक आप इतना तो समझ ही गए होंगे। कोकिला आई थिंक वो इन मामलों में मुझे स्मार्ट लगते हैं, जिस तरह से वो देखती हैं, तो मुझे लग रहा है कि उनकी जो एजेंट वाली जो स्पाई आईज, वो अगर मुझे पकड़ पाए तो। अब देखना ये है कि मास्टर जी का दिमाग जीतता है या कोकिला और गोपी की जासूसी। और इस खेल का पर्दाफाश उस पेंसिल बॉक्स से ही होगा, जो कभी कोकिला के हाथ में होता है तो कभी घर की नौकरानी के हाथ में। इसी पेंसिल बॉक्स में ही तो मास्टर जी का राज छुपा हुआ है। मास्टर जी, कहीं गोपी के लिए लव लेटर तो नहीं रखा है आपने? अगर ये लव लेटर कोकिला के हाथ लग गया तो आपकी खैर नहीं। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।